फरदाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एलन पारासर 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और चीफ जस्टिस को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि एलन पारासर पिछले कई सालों से अदालतों में सुधार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और चीफ जस्टिस को पत्र भी लिख चुके हैं। फरीदाबाद कोर्ट में न्यायिक प्रणाली को सुधारने के लिए लगातार लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और न्यायिक संघर्ष सुधार समिति के अध्यक्ष एलन पारासर ने पिछले दिनों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा था, जो कि अभी उन्हें नहीं मिला है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि आने वाली 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने साथी वकीलों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और चीफ जस्टिस को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं, तो वह अपने साथियों के साथ लोकसभा और कानून मंत्री के यहां जाकर धरना देंगे। जवाब ये है कि मैं हमको 27 तारीख को इसी महीने की वो जंतर मंतर पे 10 बजे से 12 बजे तक धरने का टाइम मिला। उसमें उसी दौरान हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लॉ मिनिस्टर और आपके होम मिनिस्टर को ज्ञापन देंगे कि जो फरीदाबाद में भ्रष्टाचार चल रहा है, चंद जजेस की वजह से पूरी जुडिशरी बदनाम हो रही है, उस पर अंकुश लगाया जाए। साथ साथ सरकार से ये भी डिमांड करेंगे इनके ऊपर कोई कमेटी बने, जब से हमारी फरीदाबाद जुडिशरी में चंद्रचिजों की वजह से जुडिशरी इतनी बदनाम हो चुकी है कि आम पब्लिक में न्याय जुडिशरी में विश्वास नहीं रहा। अगर इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला तो अगला कदम क्या रखेंगे आप? देखो जी, पहले हम गए थे, पहले इसका हमारा वो कुछ हमें मिला था, कुछ मांग हमारी मानी गई थी, नहीं मानी गई तो फिर हम वो आपके उसमें लोकसभा के यहाँ धरने पे बैठेंगे, ठीक है जी, और लॉ मिनिस्टर के यहाँ बैठेंगे। फिलहाल हमारे हमें उम्मीद है कि हमारे मानी जाएंगी। और एक जो कंटेम्प्ट है, इसके बारे में विशेष तौर पे ये जो इसका भय दिखाकर ज़्यादातर युवा वकीलों के गैर बदतमीजी करते हैं, ये कंटेम्प्ट एक्ट इस पर भी लागू होता। एक चतुर्थ श्रेणी है, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो उनके लिए ये फरीदाबाद का सेशन जज और जजेस जब सेशन जज करेगा जजेस भी करेंगे, वो शोषण कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर की वॉलेशन है, उसके फोटो मेरे पास हैं, बतौर प्रूफ आपको